गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 21 है आज आपका। इस लेक्चर में आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया जाएगा, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यूनिट आपको पता ही है, यूनिट कौन सी है आपकी, फिर पेपर में आपको दिखा दे रहे हैं कि यूनिट आपकी कौन सी है और ये बता दे रहे हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका शुरू कर दूंगी, ठीक है। यूनिट पेपर देख लीजिए, यूनिट फोर्थ है आपकी। आई होप आप लोग वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि यूनिट फोर्थ आप पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट का नाम आपका क्या है, यूनिट का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बताते चलते हैं। हिस्ट्री आपने पढ़ ली है, पहले लेक्चर था इसका, फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ ली थी, सेकेंड में उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ गया है कि मैग्नेट कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, क्या बात हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई मैग्नेट के बारे में, सारी जो थ्री टाइप ऑफ मैग्नेट्स आपको जो मिलते हैं उसके बारे में भी पढ़ा दिया गया, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इसको और बहुत अच्छे तरीके से लिखने का और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इनके नाम को थोड़ा डिफर बताया गया है, पैरा मैग्नेट, डाया मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट, ठीक है। शेप ऑफ मैग्नेट्स भी आपको बता दिया गया है सारा कि शेप ऑफ मैग्नेट्स क्या होते हैं। फिर एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट्स भी आपको बता दिया गया कि मैग्नेट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इसके आगे एक चीज़ आपको और बताया गया साथ में कि अर्थ हमारी अर्थ एक्ट लाइक अ वेरी बिग वीक मैग्नेट, ठीक है। अर्थ हमारी जो बहुत बड़ी है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और कैसे काम करती है, क्या 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 चीज़ें होती हैं जो अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है, ये भी चीज़ आपको बता दी गई है। फिर एक्सप्लेनेशन भी किया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया था पूरा। ये अर्थ मैग्नेटिक पोल्स भी बता दिया गया है, मतलब अर्थ कैसे वर्क करता है और उसके पोल्स, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स क्या है, जियोग्राफिकल पोल्स क्या है, ये दोनों ही चीज़ें आपको बता दी गई थी। जियोग्राफिकल मतलब समझ रहे हैं भौगोलिक तौर पर, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दी गई थी, टॉपिक्स मैं खाली बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपके कवर अप हो चुके हैं। तो इसके साथ एक चीज़ आपको और जो बताई गई थी वो आपको क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बता दिया गया है, दोनों चीज़ों का क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट के तीन क्लासिफिकेशन जो आगे आपको दिखाया गया, पैरा मैग्नेट जिसे बताया गया था, पैरा मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट और एक आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ना। तो इसके अंदर ये तीन तरीके के होते हैं, उन्हीं तीन को एक और नाम से हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों टाइप भी बता दिए गए थे। अब इसके साथ ही डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं ये बता दिया गया था। डायामैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिनके अटोमिक डाइपोल्स जीरो होते हैं, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। और एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उनमें दो तरीके के डाइपोल्स डेवलप कर पाते हैं। एक होता है आपका, क्योंकि एटॉमिक डाइपोल जीरो है तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो दो चीज़ हमारे वहाँ पे वर्क करने लगती हैं, एक एटॉमिक डाइपोल का अलाइंस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में होना चाहिए, और दूसरा चीज़ या तो इंड्यूस मतलब डाइपोल वहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो एटॉमिक डाइपोल्स होते नहीं है, तो इस वजह से हम वहाँ पे दूसरा इंड्यूस डाइपोल्स के बारे में, इंड्यूस डाइपोल की वजह से हम इसको डायमैग्नेटिक में रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ आपको इसमें और एक चीज़ बताई गई थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल की सारी बता दी गई थी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक ससेबिलिटी इनकी निगेटिव होती है, रिलेटिव परमिटिविटी स्लाइटली लेस देन यूनिट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी आपको बता दिया गया था, ऐसे मटेरियल जिसके एटम का एक पर्टिकुलर, अगर एटम लेते हैं उस पर्टिकुलर एटम का अपना डाइपोल होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे हम यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल की जगह पे जो एटॉमिक डाइपोल हमको मिलता है उसको हम वो सारे अलाइंस कर जाते हैं, किसके सापेक्ष, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सापेक्ष अलाइंस कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी जांच करते हैं कि कौन से मटेरियल्स हैं जिनके पास एटॉमिक डाइपोल्स मिलता है, ठीक है, और इनके एटॉमिक डाइपोल्स क्या होते हैं, रेंडमली इधर उधर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो लास्ट चीज़ इसमें जानी थी वो क्या थी, जो लास्ट हमने जाना था वो हमारा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्सप्लेन मैं इसलिए करूँ कि मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं,
क्यूरीज लॉ के बारे में एक आपको बताना है, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता दूंगी। यहाँ पे देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बता दिया गया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ये एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही काम करते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम, एक पर्टिकुलर एटम का एक मटेरियल लिए, इस मटेरियल का हम एक एटम लिए, एक एटम मतलब 9 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 क्या हो जाएंगे, डाइपोल्स, सब सबके पास एक डाइपोल होगा, तो पूरे एटम का नेट डाइपोल्स मिलेगा हमको, पूरे एटम में नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। जैसे वहां पे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बोलते थे, मगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो आपका होता है वो एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी एटॉमिक डाइपोल मिलता है। फर्क क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके जो डाइपोल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर होते हैं, मगर हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमको मिला तो हमने देखा इनके डाइपोल, जैसे कि एक तरीके के जो डाइपोल थे सब एक ही तरफ एक ही जगह पे होते हैं, और जो एक दूसरे दूसरा डायरेक्शन अगर एक तरफ है वो सारे एक जगह पे होते हैं, मतलब यहाँ पे हमको डोमेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में ही आगे चलेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हम आगे अब बढ़ रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हम इनके टाइप में आगे पहुंचेंगे कि इनके टाइप टाइप के बारे में हम पता करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, कंपेयर करना था कैसे कैसे कंपेयर करते हैं, सारी चीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दी है। तो इस वीडियोस में मैं फेरोमैग्नेटिक के टाइप के आगे बारे में बता रही हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के 3 टाइप होंगे, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेट। अब उसके अंदर भी टाइप आएंगे, मतलब कि पैरामैग्नेटिक के अंदर भी टाइप्स आएंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी टाइप्स आएंगे, और इसके साथ ही डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी टाइप्स आएंगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जिस जिस टाइप के बारे में पढ़ना है, जिस मटेरियल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ज़्यादा क्यों पढ़ना है, क्योंकि इनमें मैग्नाइजेशन और डीमैग्नाइजेशन दोनों ही बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। जैसे हमने सेमी कंडक्टर्स की स्टडी की थी ना, वैसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, मतलब कि मैग्नेट के भी 3 टाइप में से हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और एक होता है आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को अभी मैं डिफाइन करती हूँ, क्या चीज़ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में, क्या चीज़ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़ आपका स्लाइड में, आपको दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट, पैनिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ऊपर जो टाइटल आपकी पड़ी है, टाइप ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें यहाँ पे जो लिखा मैं पढ़ते रही हूँ, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक होता है आपका अनमैग्नाइज्ड और दूसरा होता है मैग्नाइज्ड। ठीक है, एक अनमैग्नाइज और दूसरा मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्लासिफिकेशन के आधार पर 2 तरह में बांट दिया गया। अब सबसे पहले ये चीज डाल लेते हैं, तो इनके अंदर एक दो कैटेगरी और आ जाती है, इनके अंदर कहा जाता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाता है, और एक आ जाता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, देखिए इनके अंदर 2 कैटेगरी और आ जाएगी, इनके अंदर मतलब कि ये 2 में और डिवाइड होंगे। ठीक है, बेसिकली 2 हैं, 2 को ही 2 में डिवाइड किया जा रहा है। एक हो जाता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, और एक आपका होता जाता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, 2 तरह की कैटेगरीज राइज हो जाते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं, एक हो जाता है आपका क्या मैग्नाइज्ड और एक हो जाता है डीमैग्नाइज, मतलब कि अनमैग्नाइज मटेरियल। अब कैसे मैग्नाइज कंफर्म करेंगे, कैसे डीमैग्नाइज, पहले हम ये जानते हैं फिर हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, आगे के स्लाइड में हम चलते हैं, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, सबसे पहले चीज बताते हैं अनमैग्नाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब का मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया ही था कि ये जो मैग्नेट का टाइप हमको मिला था, इस टाइप में क्या होता है,
हर एक एटम का अपना एक डाइपोल्स होता है, ठीक है, डाइपोल्स होता है वो हर, और हर डाइपोल मतलब कि उस एटम का डाइपोल, हर एटम पे लगने वाले जो डाइपोल है, जैसे एक मैंने एक मटेरियल लिया उसमें मान लीजिए 5 एटम है, ठीक है, और हर एक एटम नहीं मान लीजिए 10 एटम, तो 2 एटम पे मान लीजिए मैंने एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मैंने एक मटेरियल लिया, उसके अंदर मान लीजिए बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, हम एक एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं, तो मैंने एक ये एटम मान लीजिए 10 एटम है इनके अंदर, मैंने सोडियम का मटेरियल लिया और उसके अंदर 10 एटम है सोडियम के, ठीक है, 10 एटम किसके हैं सोडियम के, दस एटम किसके होंगे सोडियम के, ठीक है, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 एटम हो गए किसके सोडियम के हमने ले लिया, ठीक है, अब देखिए कलर में चेंज करके आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, ये आप देखिए भी जैसे मैंने एक का डायपोल, एक एटम का डायपोल इस तरह है, ठीक है, दूसरे एटम का डायपोल इस तरफ है इधर की तरफ, तीसरे एटम का डायपोल फिर इस तरफ है, और चौथे एटम का डायपोल कुछ इस तरह है, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में, पांचवा भी कुछ इस तरह है, और एक फिर इस तरह है, और दूसरा इस तरह है, और तीसरा भी कुछ इस तरह है, ठीक है, अब क्या हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हो रही है, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपका जो यहाँ पे ये है, आपको जो यहाँ पे जो एटम है वो एटम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे जो आपका एटम होगा वहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का एक और बॉक्स बना रहा है, इस बॉक्स में देखिएगा जितने एक तरीके के डाइपोल्स होंगे, ठीक है, जितने क्या होंगे एक तरीके के डाइपोल्स होंगे, जैसे ये वाला देखिएगा डाइपोल, अब मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाले का बात कर रहे हैं, एक डाइपोल आपको इस तरह का दिख रहा है यूं ये वाला, ठीक है, इसी के तरीके के ये वाला डाइपोल भी है ये वाला, और इसी के तरीके का हमको ये वाला डायपोल भी दिख रहा है, ठीक है, तो एक जैसे डायरेक्शन में जितने डायपोल होंगे वो सारे अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, एक जगह वो सारे अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में जितने भी डायपोल्स होंगे, जैसे उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे एक हमको दिख रहा है ये है, और उल्टे डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में एक ही है यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में, फिर ये देखिए डाउनवर्ड्स की तरफ है, तो ये भी अपने क्या करेगा उल्टे डायरेक्शन में, तो ये भी अपने आप को क्या कर लेगा एक जगह लेगा, मतलब कि एक जैसे डायपोल जो होंगे, एक जैसे जितने भी डायपोल होंगे वो सारे डायपोल्स आपको क्या होंगे अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, तो ये जो कंस्ट्रक्शन देखा गया इन मटेरियल्स के अंदर, इन मटेरियल्स के अंदर ये कंस्ट्रक्शन जो देखा गया कि एक तरीके के डायपोल अपनी जगह पे ऑलरेडी अलाइंस हैं, तो ये जो चीज देखी गई तो यहाँ पे ये सोचने में आने लगा कि एक ऐसा मटेरियल हमें मिलने लगा जहाँ पे डायपोल को अलाइंस करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फील्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अलाइंस हैं ऑलरेडी, तो ये क्या हुआ जब एक तरफ अलाइंस हो गए तो ये क्या हुए सारी जो अपने एक तरफ जब हो गए तो ये अब क्या है, अब इनको हमको क्या करना है जो उल्टे हैं मतलब कि जिसको अब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उसके तरफ, जिसको हमको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जिधर हमको ले जाना होगा, तो अभी ये क्या है सारे ये सारे एक तरह के डायपोल एक जगह पे, तो ये डोमेन के संग्रह एक डोमेन का कंस्ट्रक्शन तैयार करने लगे, तो इनको देखा गया इस तरह,
तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन जहाँ पे सारे आपके जो डायपोल्स होते हैं वो अपने आप को खुद ही कैटेगराइज कर लेते हैं अपने अपनी सिचुएशन अपनी अपनी जगहों पर, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उनको एक तरफ नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी अपने आप को एक तरफ किए रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमारी जो सामने आई वो हमारे पास सामने क्या कहलाएगी, वो सिचुएशन हमारे सामने क्या कहलाएगी, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएगी। तो यहाँ पे जो ये चीज जो लिखी हुई है, इन एवरी अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द एटम्स फॉर्म डोमेन इन साइड द मटेरियल, मतलब वो अपने अंदर, देखिए अभी मैंने आपको ये चीज बता दी है कि हर एक एटम अपना अलग अलग एटॉमिक डाइपोल रखेगा, जिसकी डायरेक्शन जैसी होगी उस डायरेक्शन में वो आके वो सारे डाइपोल से एटम अपने अपने डायरेक्शन में आके लग जाएंगे। तो अपने अपने डायरेक्शन में ऑलरेडी ये लगे हुए हैं, इसके इनर जब इनका कंस्ट्रक्शन देखा गया तो ये ऑलरेडी क्या थे, मैं अपने आप को एक सीक्वेंस में लगाए हुए थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है, द डिफरेंट डोमेन हैव डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट से देखिए इनके अब इधर है, कुछ के इधर से हैं, कुछ का इधर जा रहा है, कुछ का यहाँ पे देखिए उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। हेंस द मैग्नेटिक मटेरियल रिमेन द अनमैग्नाइज्ड द अनफेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सोन इन द ब्लू, ठीक है, ये क्या दिखाया गया आपको, ये अनमैग्नाइज्ड, अनमैग्नाइज्ड कैसे है कि अभी ये अपने आप को खाली क्या कर रहे हैं, अपने डायपोल्स को एक डायरेक्शन में रख रहे हैं, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे नहीं हुए हैं, कुछ है अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लगाए भी नहीं है और ये अनमैग्नाइज्ड है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अलायंस करेंगे, किसके अलायंस करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल अरे मैग्नेटिक फील्ड के अलायंस के अलायंस करेंगे। तो जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड अलायंस के अलायंस करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन किसमें पाया जाएगा, खाली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है, ठीक है, इसके बाद जब हम इनको अलायंस करेंगे एक तरफ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम फिगर देख लेते हैं उसके बाद चलते हैं। अलायंस करने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि सारे के सारे डायपोल्स जो है एक डायरेक्शन में हो गए, मगर ऐसा होता नहीं है, कहने का यहाँ पे तो शो कर दिया है कि 100% अलाइंस कर गए हैं, पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस वाले डायपोल के अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई यूं यूं मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस तरफ, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स दिया है मैग्नेट लगा के हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स दिया है, तो यहाँ पे इसके अलाइन जितने भी डाइपोल्स हैं ये तो सीधे होंगे, ये तो अपने आप को रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटम्स अलाइन नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, डोमेन ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पे जितनी चीजें आप देख रहे हैं, 1 2 मतलब कि अगर हम इसको 1 बोल दें, 1 इसको 2, ठीक है, इसको 3, इसको 4, 4 5 5 और 6, 6, ठीक है, ये 5 खाने हमने यहाँ पे लगाए, 6 खाने इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, किसके डायरेक्शन में लगाई है, पांचवें जो पांचवा डोमेन है इसके डायरेक्शन में ही लगाई है, तो पांचवा जो डोमेन होगा ये ग्रोथ करने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, और ये सारे डोमेन जो होंगे ये सारे मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स ये डोमेन जो होंगे इस डोमेन के मतलब कि जो ये वाला डोमेन है इसके अलाइन होने की कोशिश करेंगे, टोटल 100% नहीं हो जाएंगे, कोशिश करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसमें वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है आपको कि यहाँ पे हमने इसके कॉर्न लगाई तो ये अपने आप को बढ़ाया, देखिए ग्रोथिंग कहाँ दिखाई गई, पूरे का पूरा ब्लॉक आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया है, ग्रोथ कर गया। और अगर पीछे वाला स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कम पोर्शन था इसका, पोर्शन क्या था इसका, कम था, मगर आपने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये पोर्शन बढ़ गया, मतलब इसका क्या हुआ, डोमेन ग्रोथ हुआ, डोमेन ग्रोथ हुआ, जिस फील्ड की तरफ जिस डोमेन की तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो बढ़ेगा, और साथ में जो दूसरे दूसरे जो डोमेन्स होंगे इनको क्या करेगा, अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, ये टोटल 100% अलायंस अभी नहीं दिखाएंगे, इनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, तो ये जो बॉक्स होंगे ये क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, और इस तरह छोटे ये बॉक्स छोटे हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे ही डोमेन जैसे बढ़ते जाएंगे और इनकी संख्या होती जाएगी कम, और ये धीरे धीरे क्या होंगे, बहुत धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आने की
कोशिश करने लगेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में था तो ये ऐसे आने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, फेनोमेना जो आपका मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, जो सिर्फ होगा किसमें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। अब यही दोनों फेनोमेना आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक आयरन के, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके अंदर फिर आपको यही फेनोमेना मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता भी दे रही हूँ कि जिस चीज को आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको सिर्फ ये कहना है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे जो होते हैं उनमें दो तरह के प्रॉपर्टी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ से आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक आपका अनमैग्नेटाइज्ड होना और मैग्नेटाइज्ड होना, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टी हमको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में मिलता है, ठीक है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो पहले सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ दे रही हूँ आपको मैग्नेटाइजेशन जो मैंने आपको, और दोनों मैग्नेटाइज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले क्या होता है, मटेरियल जो आपका होता है पहले अनमैग्नेटाइज होता है और अलग अलग डोमेन में अपने अपने एटम्स लगे रहते हैं। उसके बाद हर एक डोमेन को, एक पर्टिकुलर डोमेन के, हर एक डोमेन को एक एक्सटर्नल फील्ड के, फील्ड जो आप मैग्नेटिक फील्ड इतना लगाते हैं उसके अलाइन करने करते हैं हम। और जब ये सारे सारे डोमेन्स उसी फील्ड ऑफ फील्ड के अलाइंस हो जाते हैं तो हमारा वो जो मटेरियल होता है मैग्नेटाइज हो जाता है। और ये दोनों ही तरीके जो प्रॉपर्टीज होती है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में पाई जाती है। जिस मटेरियल में ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी उसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। इसके दो तीन और स्टेप्स हैं कि ऐसे क्या होता है वो आपको मैं अगले अगले बार की स्लाइड में बता दूंगी, अगर नेक्स्ट 12th टर्म में ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को क्लियर कर दिया जाएगा। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ पढ़ दे रही हूँ आपके लिए कि मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या करना है, वही जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज इसमें लिखी हुई है, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डोमेन्स ऑफ द अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक्स द डोमेन्स विल रोटेट इट एंड अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डोमेन कैरेक्टर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इवन इट इज स्मॉल मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एज अप्लाइड गिवन टू द राइज द लार्ज मैग्नाइजेशन। लार्ज मैग्नाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं आपको कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे और जिस डोमेन के अक्रॉस फील्ड लगेगी वो डोमेन अपने आप को क्या करने के लिए इंक्रीज करने के, उसको बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। फर्स्ट स्टेप डोमेन ग्रोथ, और डोमेन ग्रोथ करने के लिए क्या होगा, जब डोमेन ग्रोथ होगा तो आपका टेम्परेचर भी ग्रोथ होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब ग्रोथ हो जाता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, तो उस सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाया गया है मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, उसके अक्रॉस अगर कोई टेम्परेचर चला गया तो वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की होती है वो खत्म हो जाती है। और वो टेम्परेचर जिसकी मैं बात करी उसी को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसके बारे में भी बता दिया जाएगा आपको क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी अटेंशन देने की जरूरत नहीं, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। सेकंड चीज लाइन आपको मैं बता दे रही हूँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो चीज आपको मैंने समझाई वो आपका यही था कि मैग्नेटिक फील्ड सच अ लार्ज देन द मैग्नेटिक फील्ड इन इन सच अ मटेरियल द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द डोमेन्स आर ऑल्सो अलाइन टू द सेम डायरेक्शन। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगाएंगे कि किसी भी एटम के डोमेन के वो सारे ही जितने भी अलग अलग डोमेन्स होंगे आपके मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो सारे जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंस होने की कोशिश करना शुरू कर देंगे और जहाँ से क्रोमिन ग्रोथ हमको मिलेगा। तो आज मैं आपको बस इतना ही अभी समझाना चाहती थी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि दो प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में देखनी है, एक मैग्नेटाइज कैसे हो रहा है और अनमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज ये दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर मिलनी चाहिए हमको, तभी वो सॉफ्ट कहलाएगा, इजीली हो जाना चाहिए इन प्रॉपर्टियों को, ठीक है। तो ये जो मैंने दो चीज़ आपको बताई इसके बाद मैं आपको एक चीज़ मैंने कल आपको नहीं बताया था वो मैं आपको आज बता दे रही हूँ कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं आपके उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आर द फेरोमटेरियल्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाई दी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं और कम टेम्परेचर पर वर्क कर जाते हैं और क्या होता है इजिली अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं। इसी वजह से हम इसमें आप जनरेटर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया और मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इन सब चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसको बनाने में, ठीक है। इसके बाद और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
सेकेंड चीज आपको मैं बता रही हूँ, द सब्सटेंस सो द परमानेंट मैग्नेटाइजेशन इवन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ अगर हम एस्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो भी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे बरकरार रखते हैं क्योंकि उनके डोमेन्स ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अलायंस हो जाते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलायंस अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हो जाते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं है, बस खाली वर्ड्स के फर्क हैं, थोड़ी से सिचुएशंस के फर्क होते हैं, बाकी एकदम सिमिलर काम करती हैं दोनों ही चीजें। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज तो हर एक चीज की अलग होगी, थोड़ा सा डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो इजीली आप अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड लाइन इसमें लिखा है फेरोमैग्नेटिक चेन दी परम। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे हम फेरोमैग्नेटिक की बात हम कर रहे हैं तो एक जो मैं आपको बता रही कि एक हम टेम्परेचर ऐसा सर्टन रख के उनके क्यूरी टेम्परेचर ऐसा सर्टन उसके ऊपर नहीं उसको ले जाना है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हमको देना मगर उस टेम्परेचर के ऊपर हमको नहीं ले जाना। जैसे उस टेम्परेचर के ऊपर जाएगा ये क्या करने लगेगा, अपने मैग्नेटाइजेशन की सारी प्रॉपर्टियाँ लूज कर देगा। इस वजह से हम क्यूरी टेम्परेचर तक लगभग ले जाते हैं, लगभग उसको हम हाँ उस तक लगभग ले जाते हैं। और जब तक हम उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे उस टेम्परेचर एक्सीड करते ही वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी अपनी फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। लूज करके वो किसमें चला आएगा, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टियों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, एक सेकेंड इस लाइन में कि यहाँ पे ये चीज लिखा है द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज टू पैरामैग्नेटिक व्हेन द सब्सटेंस आर हीटेड एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तो जाना है, हम टेम्परेचर हाई रखेंगे मगर क्यूरी टेम्परेचर के लगभग पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये अपनी भी प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज, अगर ये क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस करके तो ये क्या करने लगेगा, अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन के खोना शुरू कर देगा। रीजन भी आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि रीजन क्यों ऐसा करता है, दिस इज ड्यू टू द रैंडमाइजेशन ऑफ द डोमेन्स ऑफ हीटिंग। जो ही जो रैंडम तरीके से भी आपके डोमेन्स इधर उधर हैं उसको हीट करने की वजह से ऐसा हो जाता है। ये बात कहने का कोई सेंस नहीं है इसमें, मैं कल लिखा हुआ था बुक में कि ऑल द डोमेन्स आर अलाइन इन द पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उनको जाना है, तो इसका मतलब है सीधे कि पैरेलल होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो एटम्स भी अलाइन ऊपर की तरफ ही होंगे, डोमेन भी मतलब कि अलाइन ऊपर की तरफ होंगे। ऐसे अगर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे आपके एटॉमिक डाइपोल्स जो है वो हमारे इधर की तरफ होंगे अलाइंस होंगे, मतलब पैरेलल तो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ होगी डोमेन उसी तरफ जाएंगे, जिसका मतलब वो पैरेलल जाएंगे। तो इस लाइन को लिखने का या कहने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं था, फिर भी आपको बता दिया गया। अच्छा प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, रेजिस्टेंस की हाई होती है, आसान चीप होते हैं ये, हाइटीसियस लूप के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत बता दिया था मगर इसमें फिर से एक बार बताऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इनकी रेजिस्टिविटी भी मैंने आपको बता चुके हैं ये आप लोगों ने सब ये चीज़ें पढ़ी। रेजिस्टेंस आपको जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो रेजिस्टेंस के साथ का मतलब कि उस रेजिस्टेंस को क्या करें क्षमता क्षमता एक तरीके से देखिए उस रेजिस्टेंस की क्षमता आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, जो कि रेजिस्टेंस की क्या होती है, रिसिप्रोकल होती है। अगर ये हाई है तो ये भी हाई होगी। कोरोसिविटी भी मैंने आपको एक दिन बताई हुई है मगर फिर से मैं आपको हर चीज़ लूप के अंदर बताऊंगी इसको। हाई परमेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज़ है, मगर ये सारी जो पॉइंट्स आपके हैं कि हाई परमेबिलिटी हो गया, हाइटीसिस लॉस हो गया और ये कोरोसिव फोर्स, तीनों मैंने आपको एक साथ बताना है। किसमें बताना है आपको, हाइटीसिस लूप जो भी आएगा तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी आपको। और ये मैंने ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोरोसिव फोर्स क्या होता है, हाइटीसिस लॉस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ये बता चुका है आपको। फर्स्ट यूनिट में आपका वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इट कैन बी ऑपरेट 300 डिग्री सेल्सियस स्पेस को ऑपरेट किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर गुड, यहाँ पे डी नहीं लिखा हुआ है, गुड होगा ओके। स्टेबिलिटी इसलिए अच्छी होगी भाई कि कम टेम्परेचर हमारा भी थोड़ी टेम्परेचर पर काम कर चल जा रहा है, आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है, और हमें क्या चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, मैग्नेटाइजेशन चाहिए, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, पहुँच जाए, टेम्परेचर ना हमको खर्च करना पड़े, टेम्परेचर भी कम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी एडवांटेजेस हो गए। एप्लीकेशंस में आपको दिखा दे रही हूँ, डिसएडवांटेज में क्या आप देख लेंगे, डिसएडवांटेज में ज़्यादातर कुछ है नहीं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज जनरेटेड द वीक मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ ये होता है, पर उसके लिए भी तो हमारे पास उपचार, उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि हम इसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं अगर, और इसको हम क्या कर देते हैं, एक कल के लेक्चर में मैंने आपको जीटा एक टर्म बताया ससेप्टिविटी, उसको हाई कर दीजिए, मल्टीपल हाई हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं, एक छोटा सा डिसवांटेज उसको, जिसको हटाने के लिए हम जीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। अप्लीकेशंस के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अप्लीकेशंस क्या है हमारे इसके, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना के हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं बहुत बड़े बड़े, हमको इंस्ट्रूमेंट उठा के कुंतलों के इंस्ट्रूमेंट उठा के उधर से उधर करना, कैसे करेंगे, हम फेरोमैग्नेट्स बना लेते हैं, और क्या करते हुए फेरोमैग्नेट चुंबक की तरह काम करते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को गाड़ी को उठा ऐसे चिपक जाएंगे, और उस उठाने वाले मशीन से इधर से उधर किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर भी हम देख सकते हैं, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क जनरेटर में भी यूज़ हो जाता है, टेलीफोन्स में यूज़ होता है, लाउड स्पीकर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आप देखे होंगे डीवीडी वगैरह का जो होता है डिस्क, यूज जो हम करते हैं घर पे लाते हैं, डीवीडी नहीं लाते हैं, डिस्क गोल सी डिस्क होती है उसी को, उसमें मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेटिक डिस्क उसको बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस भी हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, फिर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज होता है, अनमैग्नेटाइज होता है, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और क्लियर हो भी गया होगा मेरे ख्याल से। तो वीडियो को आप देखिएगा और देखिएगा, एक दो बार देखने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।